बिग बॉस में शमिता को लेकर ये क्या कह गए? शमिता जो है वो कर्मों की सजा भुगत रही है। शमिता कैसी है और शिल्पा को देखो कैसी है, इसीलिए तो वो अपनी बहन के नाम से ही पहचानी जाती हैं। बिग बॉस OTT में लगातार शमिता को लेकर एज शेमिंग हो रही है और ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ते हुए कल दिव्या और साथ में बैठी हुई थी अक्षरा, तब बात निकली। दिव्या कहती हैं कि किस तरीके से जो है शमिता जो है कैसी हैं और उनकी बहन बहुत अच्छी है। तो अक्षरा ने बोला कि मैंने शिल्पा के साथ काम किया है, बहुत अच्छी बहन है इसकी, और यही तो कारण है कि ये सिर्फ अपनी बहन के नाम पर ही जानी जाती है, इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि दिव्या फिर बोलती है कि आप जितने बड़े हो जाते हैं उतना जरूरी होता है आपके लिए हम्बल होना, जो शमिता में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से बाद में अक्षरा ये भी बोलती हुई नजर आई कि बचपन में हमने सिर्फ इनका वो शरारा शरारा देखा था, उसके बाद तो कहीं दिखी ही नहीं। बचपन में तो मैंने डांस भी किया था। तो जब वो ये बात कर रही थी तो दिव्या ने उन्हें इशारा किया कि देख मत बोल, स्टेज पे मत जा। तो एक बात तो तय है कि जिस वजह से शमिता जब स्टेज पर आई, आपको याद होगा करण जौहर ने कहा कि आप जो है हमेशा आपको लगता था कि शमिता आप शिल्पा की बहन के तौर पर जानी जाती हैं, आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपने आप की पहचान के लिए आप यहाँ आई हैं। जिस पर शमिता जो है हामी भरती हुई नजर आई, उसके बाद इमोशनल बैगेज की बात हुई जिस पर भी वो हामी भर रही थी, तो अब घर के अंदर भी यही बात हुई। दिव्या ने भी बोला कि मैं भी मिली हूँ शिल्पा से, वो बहुत अच्छी हैं और देखो उसकी बहन कहाँ है। वहीं अक्षरा भी ये बात बोलती हुई नजर आई कि मैंने शिल्पा के साथ काम किया है, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन शमिता को देखो कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। तो इस तरीके से एक बार फिर से शमिता को लेकर घर के अंदर सवाल उठे और ये कहा गया कि शमिता जो है अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाई तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बहन जैसी अच्छी और हम्बल नहीं है।